गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। हाँ जी बेटा, यस बेटा, आज हम अपनी व्याकरण के अंदर बधाई पत्र राइट करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में हम क्या लिखेंगे? जन्मदिन पर बधाई पत्र, अपने मित्र को कोई तोहफा देने के लिए उसके जो जन्मदिन है उस पर हम उसको बधाई पत्र लिख रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हाँ जी बेटा, ध्यान देंगे, आप पक्षाकार राइट करोगे और विषय, सबसे पहले बेटा आपने विषय राइट करना है। ठीक है, विषय में आप क्या करोगे? मित्र या सहेली को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखो। इसमें जो बॉयज हैं वो तो मित्र लिखेंगे, ठीक है, और गर्ल्स हैं वो सहेली। यस, आप परीक्षा के अंदर लिखोगे लाइन के बिल्कुल ऐसे टच में, यहाँ पे आपकी नोटबुक की लाइन होती है ना, उसके टच के साथ आप परीक्षा के अंदर लिखोगे। परीक्षा के अंदर के बाद क ख घ दिनांक, बेटा यहाँ पे मैंने जो प्रेजेंट डे है, टुडे है, वो लिखी है, आप जिस दिन इसको राइट करोगे वो डेट राइट करोगे। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा प्रिय सहेली करिश्मा, ये गर्ल्स लिखेंगी प्रिय सहेली करिश्मा, और बॉयज लिखेंगे प्रिय मित्र, जो भी उसके मित्र का नेम है, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी। ओके, सब प्रेम नमस्ते, उसके बाद वाली लाइन में नीचे लिखोगे आप सब प्रेम नमस्ते, उसके नीचे वाली लाइन में लिखोगे हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आशा है कि आप भी वहाँ कुशलता पूर्वक होंगे। ओके, उसके बाद आपका वाक्य क्लोज है, इसी महीने की 30 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है, उसके बाद वाक्य क्लोज, मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, फिर वाक्य क्या है? क्लोज है, वाक्य को बंद किया हुआ है। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार भेज रही हूँ, लड़कियां तो रही हूँ लिखेंगी और बॉयज लिखेंगे रहा हूँ, वाक्य क्लोज, आशा है कि यह उपहार तुम्हें पसंद आएगा, उसके बाद क्या है? वाक्य क्लोज है। बड़ों को नमस्ते व छोटों को प्यार, फिर क्या है? वाक्य क्लोज, उसके बाद है तुम्हारी सहेली, लड़कियां सहेली लिखेंगे और बॉयज लिखेंगे मित्र, अपना नेम, नेम के आगे अपना अपना नेम राइट करोगे। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।